महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मेडिकल जांच के लिए गुरुवार को यहां सरकारी जय जय अस्पताल ले जाया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि उनकी सेहत स्थिर है। देशमुख फिलहाल ईडी के हिरासत में है, जहाँ उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी है। अधिकारी ने बताया कि राकांपा नेता को दोपहर करीब 12 बजे ईडी के कार्यालय से बाहर लाया गया और उन्हें दक्षिण मुंबई के अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने कहा कि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच अस्पताल में उनकी नियमित जांच की गई। इसके बाद वह ईडी के कार्यालय में वापस चले गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख 71 को ईडी ने सोमवार देर रात 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री ने मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए कई समन को छोड़ दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पिछले हफ्ते उन्हें रद्द करने से इनकार करने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए। यहां की एक विशेष अवकाश अदालत ने मंगलवार को से 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।